मनसा देवी मंदिर का रोपवे हुआ बंद। काफी लोग हैं जो परेशान हो गए हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। कौन सा प्लांट है ये? संजीवनी प्लांट। संजीवनी प्लांट। तो रोपवे बंद होने के वजह से मैं आज आपको तो है ट्रैकिंग का वे दिखाऊंगी। थक गए? अभी जा रहे हो दर्शन करने के लिए? आ रहे हो? जा रहे हो? तो जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप सभी को हरिद्वार के सबसे फेमस मंदिर में लेकर आई हुई हूँ। मैं बात कर रही हूँ मनसा देवी मंदिर की। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को मनसा देवी मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ और मनसा देवी मंदिर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, मंदिर का टाइमिंग क्या रहने वाला है, चढ़ाई कितनी रहने वाली है, या फिर अगर आप रोपवे से आ रहे हैं तो रोपवे का क्या चार्ज रहने वाला है, और अगर आप स्कूटी या बाइक से आएंगे तो उसका प्रोसेस क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देरी न करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय माता दी। यहाँ से हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर के लिए। हम आए विष्णु घाट से, पूरा मार्केट एरिया कवर करके 5 मिनट का रास्ता है, आगे की तरफ चलेंगे। अगर आप रोपवे की बात करें तो रोपवे का टिकट 129 रुपीज पर पर्सन पड़ने वाला है। वहीं पर अगर आप कॉम्बो लेते हैं मनसा देवी और चंडी देवी का तो 349 रुपीज पर पर्सन लगेगा। जिस तो दोस्तों मनसा देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को एक बार बताना चाहूंगी, यहाँ पर है ना आप अपने 2-व्हीलर से आ सकते हैं और रोपवे के थ्रू आ सकते हैं, बाय वॉक चढ़ाई करके भी आ सकते हैं। तो अभी तो 3 दिन के लिए रोपवे बंद है तो इसलिए सबको ही चढ़ाई करके आनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ और रोपवे अभी बंद है। प्रसाद हमने ले लिया है, प्रसाद मिला है 50 रुपये का एक, तो दो है। कहा हमें प्रसाद वाले भैया ने कहा है कि ऊपर वैष्णो माँ का भी मंदिर है। अगले बोलो जय माता। छोटा थी बड़ा बिछले और से एक में पे हार गई सब मेरे बर्थडे बर्थडे। सो गाइस मेरे पास कम से कम 10 किलो का बैग है और इतनी खड़ी सीढ़ियां चढ़ रही हूं। देखिए तो दोस्तों ये है रोपवे जो कि अभी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अभी यहाँ से भी ट्रैकिंग करनी है, फिर ऊपर जाके मनसा देवी का मंदिर आ जाएगा। सो गाइस रोपवे बंद होने की वजह से हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, कम से कम 70 सीढ़ियाँ होंगी, उसके बाद यहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी होगी। यहाँ से मनसा देवी मंदिर का जो है स्टार्ट हो रहा है, आइए। अब इस तरीके का ट्रैक आएगा दोस्तों, इस पे हम चढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये रोपवे चलता था लेकिन अभी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए दोस्तों ये भी ना वैष्णो देवी माता की तरह खड़ी चढ़ाई है, देखिए सामने। सो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देवी मंदिर की चढ़ाई के पास ना काफ़ी आपको बंदर देखने को मिलेंगे, तो थोड़े से सावधान रहिएगा क्योंकि वो आपसे किस तरीके से सब पन्नी वगैरह छीन लिया इन बंदरों ने। ढक्कन खोल दिया। कैसा लग रहा है सामान छीन के? ढक्कन भी खोल दिया उसने। ओ पेप्सी पी रहा है।
जय माता दी। तो दोस्तों हरिद्वार में सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो है मनसा देवी मंदिर। कई लोग जो है हर की पौड़ी आते हैं लेकिन मनसा देवी मंदिर नहीं आते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि उन्हें आना चाहिए। और दोस्तों ये मंदिर 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के है और ये श्रृंखला पर्वत के ऊपर चोटी पर स्थित है। और ये जो माता है मनसा देवी माता है वो 52 शक्तिपीठों में से एक है। अगर मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के 3 वे हैं, या तो आप रोपवे के थ्रू आ सकते हैं जिसे उड़न खटोला भी कहते हैं, या फिर आप ट्रैकिंग करके यानी कि चढ़ाई चढ़ के आ सकते हैं, या फिर आप स्कूटी बाइक से भी ऊपर तक आ सकते हैं। तो अब मंदिर आने वाला है तो काफ़ी सारी शॉप वगैरह है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ऊपर से प्रसाद लेना, नीचे से मत लेके आना, क्योंकि नीचे लोग ठग लेते हैं, ऊपर आपको प्रसाद सही मिल जाएगा और कम रेट में। तो दोस्तों ये है खूबसूरत नज़ारा हरिद्वार का, हर की पैड़ी का। सामने हर हर गंगे बह रही है, उसके बाद ब्रिज भी है, मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए पूरा व्यू देखिए आप, ये लोग दर्शन करके नीचे आ रहे हैं और ये लोग ऊपर जा रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। तो मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। ये हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप मनसा देवी मंदिर आ रहे हैं तो इसमें आपको 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। आप चाहो तो रोपवे के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। और दोस्तों मनसा देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। क्या कहा जाता है कि कोई जो भी भक्त अपनी मुराद लेके यहाँ पर आते हैं उनकी मुरादें पूरी करती है माता रानी। तो अगर आपकी भी कोई मुराद है तो आप भी आइए माता रानी के दरबार में और अपनी मन्नत उनके सामने रखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी देखिए ट्रैकिंग के वक्त, चढ़ाई के वक्त है ना, यहाँ पे कुछ शेड भी नहीं लगा रखी है कि यहाँ से कुछ पत्थर वगैरह रखे हो जो अगर किसी का पैर फिसल जाए गलती से बाय मिस्टेक तो वो नीचे यहाँ तक जाएगा। कई लोग हैं ना यहाँ से ऊपर चढ़ के आ रहे हैं जिससे कि उनकी चढ़ाई आसान हो जाए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ चढ़ रहे हैं। प्लान कर रहे हैं ना मनसा देवी मंदिर आने का तो आप 3 दिन बाद आइए, यानी कि 9, 10, 11 के बाद आइए, 12 को आइए, जिससे कि आपके साथ अगर बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो वो चढ़ाई थोड़ी खड़ी चढ़ाई है वो चढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप उनको लेकर आएंगे तो आप रोपवे से आएंगे उड़न खटोले से तो काफ़ी इजी रहेगा। काफ़ी लोग हैं जो परेशान हो गए हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ने में, जो यंगस्टर है वो तो चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के लोग हैं जो रोपवे से परेशान है, रोपवे नहीं चल रहा है। तो अगर दोस्तों अगर बात करें स्कूटी की, तो स्कूटी अगर आप ऊपर लेकर आ रहे हैं तो वो स्कूटी आपकी अपनी होनी चाहिए, या फिर आपने रेंट पर ले रखी हो तो ही आप आ सकते हैं। वैसे किसी अदर लोगों के साथ आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ अंदर अलाउ नहीं है ऐसे आना। बाकी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बाकी रोपवे तो है ही, 3 दिन के बाद रोपवे ओपन हो जाएगा। बाकी आज रोपवे ओपन नहीं है तो लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो कि चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। खैर माता रानी सबकी परीक्षा ले रही है और कुछ नहीं है, बाकी सब सारी मदद जो है माता रानी करती रहेगी सभी श्रद्धालुओं की, और अपने दर्शन जरूर देगी। मनसा देवी के बारे में नहीं सुना होगा, मनसा देवी भी माता पार्वती और महादेव की पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री है। कौन सा प्लांट है ये? संजीवनी प्लांट। संजीवनी प्लांट तो कितने का है? कितने का ये पौधा? ये 30 रुपए का है, 2.50 का है। अच्छा, मतलब पानी में डाल दो ये ऐसा हो जाएगा? ओरिजिनल है। ऑफ सीजन होने के बाद भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं।
और देखिए अभी भी जो हर की पैड़ी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, स्नान के लिए आए हुए हैं, वो भी देखिए कितने लोग अभी भी श्रद्धालु हैं जो दर्शन के लिए आते हैं। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं, जय मनसा देवी। थक गए अभी जा रहे हो दर्शन करने के लिए, आ रहे हो जा रहे हो? रोप वे ना चलने की वजह से बड़ी परेशानी हुई ना, चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। तो अगर ट्रैकिंग के वक्त थक जाओ तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो फाइनली मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आ गया है, तो सामने मंदिर आ गया है दोस्तों। फाइनली हमारी 4 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट हुई, फाइनली मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं। तो ऊपर काफी बड़ी मार्केट है दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी मार्केट है। तो आपको मंदिर के बाहर ही ना शू रैक भी मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ काफी लोगों ने अपनी मन्नत की चुन्नियां बांधी हुई है, देखिए सामने मनसा देवी मंदिर का एंट्रेंस है। ना मंदिर में जो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी दर्शन करवाने की, अगर नहीं हुआ तो माफी चाहूंगी। देखिए दोस्तों जो उड़न खटोला है ना रोपवे, वो यहाँ पे उतारता है, फिर यहाँ से ना सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना पड़ता है, उसके बाद यहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश किया जाता है। और ये सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से हम लोग आए थे एंड यहाँ से अंदर की तरफ हम लोग गए। अगर आप रोपवे से दर्शन करते हैं ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके 1 से 1.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे और आप रोपवे से ऊपर नीचे भी आराम से चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे। वहीं अगर आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे आराम से लगने वाले हैं, अगर स्पेशली आपके साथ बुजुर्ग है तो। बाकी अगर आप यंगस्टर हैं तो आप 1 घंटे में भी अपनी चढ़ाई पूरी कर सकते हैं, यानी कि दर्शन करके आप नीचे तक वापस आ सकते हैं।
तो जैसे ही आप मनसा देवी की चढ़ाई मतलब दर्शन करके नीचे की तरफ आएंगे, इस तरीके के ना शेयरिंग ऑटो मिलेंगे आपको, जो कि आपको चंडी देवी मंदिर लेके जाएंगे, जो कि 50 रुपए लेंगे मात्र। तो गाइस दर्शन हमारे हो चुके हैं मनसा देवी के, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। और अभी ऑफ सीजन है तो इसलिए हमें मंदिर खाली मिला था। यहाँ पर ज्यादातर जो भीड़ होती है वो होती है नवरात्रों में या फिर तीज त्योहारों पर, तो आप जरा देख के आइएगा। बाकी ऑफ सीजन में अगर आप आते हैं तो आपको मंदिर खाली मिलेगा। बाकी दर्शन हमने कर लिए हैं, मंदिर में अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी पर मैंने फिर भी आपको दर्शन करवाए हैं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सफर में, देखते रहिए DLR व्लॉग्स। तो जय माता दी दोस्तों।